बहराइच की कोतवाली देहात क्षेत्र से बेटी पैदा होने पर पत्नी को छोड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल सन 2013 में मिर्जापुर की रहने वाली रूपाली श्रीवास्तव से बहराइच के रहने वाले आलोक कुमार श्रीवास्तव की शादी हुई थी। इस संबंध में लड़की के पिता ने बताया कि उनको पहली बेटी एक बड़े ऑपरेशन से हुई, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा उन्हें 5 साल तक बच्चे को जन्म न देने की हिदायत दी गई थी, लेकिन अगले साल ही रूपाली फिर से गर्भवती हो गई, जिसके बाद उनके पति द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब उनकी पत्नी को फिर से बेटी हुई। लड़की के पति के मुताबिक बेटी पैदा होते ही पति द्वारा उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया गया और उसी हालात में अस्पताल में पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया। लड़की अपने मायके चली गई। पति द्वारा कहा गया कि जब तक इनका दवाई इलाज नहीं हो जाता तब तक इनको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। ये मामला न्यायालय तक पहुँच गया। लगातार 2 साल से कोरोना वायरस के कारण मामला फीका पड़ गया। कोरोना पीरियड के दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली। पिता के मुताबिक आज से 10 महीना पहले उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। लड़की के पिता रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि लगातार बहराइच में मिर्जापुर से आने में असमर्थ हैं। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। मोहम्मद अनस तारिक की रिपोर्ट। जी, उसके बाद में जब कुछ समय के बाद मुझे ऐसे इनके देवर नन से पता चला कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तब उसके बाद दूसरी शादी कर ली इन्होंने, और तब से मैं इधर उधर बदरदर भटक रही हूँ। नारी शक्ति का हर जगह जा रही, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि आपके पापा क्या कर लेंगे, और तब तक बस बाइक पर किसी बीवी को लेकर घुमाते हैं, बच्चों को भी काम हो तो मारते हैं। हमारा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव है और हमने अपनी बेटी रूपाली श्रीवास्तव की शादी यहाँ बहराइच में आलोक कुमार श्रीवास्तव के साथ की है। शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब दूसरी लड़की इससे पहली लड़की हुई तो डॉक्टर ने मना किया था कि 5 साल तक इसको कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, इतना मेजर ऑपरेशन हुआ था। उसके बावजूद भी इनका अगले साल फिर दूसरा बच्चा पेट में आ गया, तो यहाँ फिर बहराइच हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती किया। उसके बाद दूसरी बेटी हुई, फिर वो कहने लगे कि बेटी हो ही नहीं सकती है, ये हमारी बेटी ही नहीं है। और उसके बाद ना इन्होंने कोई खर्चा दिया और उसको उसी हालत में अस्पताल में छोड़ के वो भाग गए, और आज तक फिर वो घर ही नहीं गई। और वही कपड़ा फटा कपड़ा पहन के जो डिलीवरी समय जाया जाता वो वही पहन के गई थी। इसके बाद ना पहनने का कपड़ा है, ना एक पैसा है, दूसरे बच्चे का पूरा खर्चा है। और मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, 70 साल के करीब हमारी उम्र है, मेरे आय का कोई साधन नहीं है। तो ये दर दर के लिए कि पैसे के लिए हम लोग परेशान हैं, और यहाँ 5 साल से केस चल रहा है, 2 साल से कोरोना में डेट ही डेट हो रही है, कोई हो नहीं रही है। अब हम लोग मिर्जापुर पहुँच गए हैं, तो वहाँ से यहाँ आने के इतना खर्चा जो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से DM साहब के पास हम आए कि यहाँ से कार्रवाई हेतु कुछ उचित कदम उठाए जाएँ। आपकी बेटी को आखिर क्यों छोड़ा? हमारी बेटी तो दूसरी बेटी पैदा हुई, दूसरी बेटी पैदा होने में इसकी को थोड़ी सी हॉस्पिटल में तबीयत खराब हो गई थी, तो अब तबीयत ख़राब हो गई थी तो कह रहे हैं कि हम आपकी लड़की को तभी ले जाएंगे जब ये सारी दवाई इसकी बंद हो जाएंगी। बेटी पैदा होने की वजह से छोड़ दिया? हाँ, बेटी पैदा होने की वजह से इन्होंने छोड़ दिया। फिर इसको सिद्ध करने लगे कि ये लड़की आपकी, इसका दिमाग ख़राब है, और तमाम इस तरह का कंप्लेन लगे, इसको पागल सिद्ध करने के लिए मार जोर लगा रहे हैं। हम मेडिकल कॉलेज में जो लिखवा लें, जो उल्टा सीधा कर लें, 2 साल से न कहीं कुछ न कुछ, दुनिया उनके घर माँ बाप सब दवाई खाते हैं अभी, लेकिन उसके वजह से। और इन्होंने चुपचाप कोरोना पीरियड का लाभ उठा करके जाके कहीं गाँव वाँव में शादी कर लिए। हमें आए तो हमें पता लगा, तब से हम परेशान हैं। अच्छा, इनके पति ने दूसरी शादी भी कर? हाँ, इनकी पति ने दूसरी शादी गांव में जाके चुपचाप हुई कोरोना में, इनके घर वाले 5-7 लोग गए और शादी कर ली।